उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। नवरात्र पर यूपी सरकार अखंड रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएगी, इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए। यूपी सरकार इस तरह के आयोजन के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए भी देगी। ये कार्यक्रम जिला, तहसील और ब्लॉक स्तर पर नवरात्र में सभी 9 दिन आयोजित होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक मामले पर 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने इसकी सिफारिश की है। जिनके खिलाफ कार्रवाई को कहा गया है उनमें उस वक्त के मुख्य सचिव और DGP भी शामिल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली की। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होंगे। इससे पहले केजरीवाल ने ऐलान किया कि पार्टी राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली का भी वादा किया। महाराष्ट्र के नासिक से किसानों ने एक मार्च शुरू किया जो कि मुंबई में खत्म होगा। इस मार्च में करीब 5,000 किसान शामिल हैं। इस पैदल यात्रा का मकसद बिजली कटौती और फसल के दाम समेत कई समस्याओं से सरकार को रूबरू करवाना है। ग्वालियर कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसकी 2 पत्नियों के मामले में ऐसा फैसला सुनाया गया जो सुर्खियों में आ गया। इस फैसले के मुताबिक 3 दिन पति पहली पत्नी के साथ रहेगा तो अगले 3 दिन उसे दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा, जबकि 7वें दिन वो खुद तय कर सकता है कि उसे किस पत्नी के साथ रहना है। इतना ही नहीं, उसे अपनी दोनों पत्नियों को तनख्वाह के आधे आधे पैसे भी देने होंगे। बताया गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी साल 2018 में ग्वालियर में हुई थी, लेकिन इसके बाद वो नौकरी के लिए गुरुग्राम आ गया जहां वो एक और महिला के साथ लिव इन में रहने लगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की पहल पर केरल के IIM कोझिकोड में एक स्पेशल कोर्स शुरू किया गया जिसमें अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान से जुड़े लोगों को भी न्योता मिला। भारतीय विचारों पर बनाए गए इस कोर्स का नाम इमर्जिंग विद इंडियन थॉट्स रखा गया है। ये कोर्स 4 दिनों का है। कारोबारी गौतम अदाणी के बेटे जीत अदाणी की मंगनी तय हो गई। वो डायमंड कारोबारी जयमीन शाह की बेटी दीवा से शादी करेंगे। मंगनी की रस्में अहमदाबाद में एक समारोह में हुई।